हेलो दोस्तों, मिस्टर इस बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपसे प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले पांच प्रसिद्ध विदेशी यात्रियों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में बहुत से विद्वान ऐसे थे जो दुनिया भर का ज्ञान हासिल करना चाहते थे, लेकिन आज की तरह सारा ज्ञान इंटरनेट जैसी एक जगह पर मौजूद ना होने के कारण उन विद्वानों को दुनिया भर में घूम घूम कर चीज़ों की जानकारी हासिल करनी पड़ती थी। ज्ञान हासिल करने की चाह रखने वाले प्राचीन विद्वान भारत आने की चाह जरूर रखते थे, और कई ऐसे थे जो भारत आए और यहाँ का कई तरह का सामाजिक और शैक्षणिक ज्ञान हासिल किया। इन विद्वान यात्रियों ने जो ज्ञान हासिल किया था उसे उन्होंने लिखित रूप में भी सहेज कर रखा था, और उन्हीं के लिखे हुए दस्तावेज और विवरण भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करते हैं। यहाँ हम आपको प्राचीन भारत की ऐसी ही यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों को बारे में बताने वाले हैं। नंबर वन, मैक्सथनीज। मैक्सथनीज सेल्यूक्स के राजदूत के रूप में महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वो एक इतिहासकार और विद्वान था जो कि अपनी इंडिका नामक पुस्तक में अपने समय के भारत के बारे में काफ़ी कुछ लिखता है। दुर्भाग्य से इस पुस्तक की मूल प्रति अब खो चुकी है, लेकिन बाद के इतिहासकारों के लेखन में हवाले के रूप में उसकी पुस्तक के काफ़ी सारे अंश मिलते हैं। माना जाता है कि मैक्सथनीज लगभग 5 साल तक महाराज चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत रहा था। उसका जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था और वो लगभग 46 साल की उम्र में भारत आया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंचने के लिए उसे ईरान से काफी लंबा सफर तय करना पड़ा था। नंबर दो, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग प्राचीन भारत में आने वाले सबसे प्रसिद्ध यात्रियों में से एक हैं। वो चीन के एक बौद्ध भिक्षु थे और भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म का और ज्ञान हासिल करने के लिए यहाँ आए थे। ह्वेनसांग ने कश्मीर, पंजाब से होते हुए कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर आदि बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अच्छा खासा समय बिताया और वो दक्कन, उड़ीसा और बंगाल के कई स्थानों पर भी गए थे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और वो लगभग 16 साल तक भारत में रहे। उन्होंने अपने भारत से संबंधित अनुभव अपनी पुस्तक सीयू की में लिखे, जो उस समय के भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। नंबर तीन, अल बैरूनी। अल बैरूनी महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण अभियानों में कई बार उसके साथ आया था। अल बैरूनी बहुत बड़ा विद्वान था जिसने कई तरह के ग्रंथ लिखे थे। माना जाता है कि उसने 146 किताबें लिखी थी, जिसमें 35 खगोल शास्त्र पर, 23 ज्योतिष शास्त्र पर, 15 गणित पर और 16 साहित्य और बाकी की अन्य विषयों पर लिखी हुई थी। बैरूनी की लिखित तारीख अल हिंद से उस समय के और उससे पहले के भारत के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। उसने भारतीय विद्वानों के साथ अच्छा खासा समय बिताया था, यहाँ तक कि उसने संस्कृत भाषा को भी सीख लिया था। भारत के सिवाय उसने श्रीलंका की भी यात्रा की हुई थी। नंबर चार, मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का रहने वाला एक व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था जिसने दुनिया भर के कई देशों की यात्रा की थी। माना जाता है कि वो 2 बार 1288 और 1292 में दक्षिण भारत आया था। मार्को पोलो ने अपनी यात्रा 1272 में अपने चाचा के साथ शुरू की थी। उसने सारे के सारे रेशम मार्ग का फासला भी तय किया था। उसका यात्रा वृतांत लंबे समय तक एशिया के बारे में जानकारी देने वाला यूरोपियन लोगों का मुख्य स्रोत रहा था। नंबर पाँच, इब्न बतूता। इब्न बतूता को इतिहास के सबसे महान यात्रियों में से एक माना जाता है। उसने भारत ही नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, पूर्वी यूरोप के सिवाय रूस को छोड़कर
पूरे एशिया की यात्रा की थी। माना जाता है कि उसने 121,000 किलोमीटर की यात्रा की थी और वो अपने समय के हर उस राज्य में गया था जहां किसी मुस्लिम राजा का राज था। जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। तुगलक सुल्तान से उसे बड़े आदर के साथ भारत में रखा, यहाँ तक कि उसे राजधानी का काजी नियुक्त कर दिया। इस पदवी पर पूरे 7 साल रहने के बाद 1342 में तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना दूत बनाकर भेजा, लेकिन किसी कारण के उनकी मुलाकात कभी भी चीनी बादशाह से नहीं हुई। इन्होंने अपना यात्रा वृतांत अरबी भाषा में लिखा था, जिसे रुला कहा जाता है। इसमें अन्य क्षेत्रों के सिवाय 14वीं सदी के भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।